किड लाइव में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको बताना चाहूँगा ए टू जेड में आपको ये अभी साइंस का जो बुक चल रही है आरआरबी ग्रुप टी और एनटीपीसी से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। ये जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किया है इससे पहले आप भी इसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, मैं प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ। तो इस तरह से देखेंगे आप जब ए टू जेड लाइव में हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इसके जहाँ साइंस करके मैंने बनाया है, इससे पहले जो भी मैंने वीडियो बनाया है और अपलोड किया उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। चलिए मैं अपने नेक्स्ट वीडियो आपको बताना चाहूँगा इस बुक की खासियत क्या है कि इस बुक में सबसे पहले एक थ्योरी दिया गया है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, फिर उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट दिया गया है और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो फिजिक्स के क्वेश्चन और केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो आते हैं आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी में वो अच्छे से दिए गए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक कलेक्शन किया गया है। तो एक अच्छी बुक है और लेटेस्ट बुक है जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा अभी डिमांड की ये बुक है। तो जहाँ तक मैं नेक्स्ट अब चलता हूँ, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था जीव विज्ञान का मैंने बायोलॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर परिचय मैंने स्टार्ट किया है, तो उसका जहाँ तक मैंने कवर किया जीव विज्ञान की शाखाएँ यानी ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने जो किया था कवर फॉसिल्स तक किया था, अनुवांशिकी तक मैंने जेनेटिक्स तक ख़त्म किया था। तो इसके आगे मैं एक एक करके मैं बताते जा रहा हूँ और इसे ध्यान से सुनते जाएंगे और कान में हेडफोन में लगा करके आप इसे सुन सकते हैं या फिर जहाँ भी आप हैं अपने ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। चलिए अनुवांशिकी जीवों में पाए जाने वाली सामान्यता एवं विभिन्नता अनुवांशिकी का अध्ययन करता है। उद्भव विकास इवोल्यूशन जीवों का उद्भव एवं विभेदीकरण का अध्ययन करना, जीवाश्मीकरण क्या है जीवाश्मों का अध्ययन करना, विश्व विज्ञान टैक्सिकोलॉजी विषैले पदार्थों का विज्ञान करना, इससे संबंधित है विषय तो विषैले पदार्थों की ये आसान है, परजीवी की परजीवियों का अध्ययन, रोग विज्ञान रोगों की प्रकृति लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन, एपिकल्चर एपिकल्चर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये बहुत बार रिपीट होती है, तो मधुमक्खियों के पालन से संबंधित ये है मधुमक्खी के पालन का अध्ययन करना, जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन करना जीवाणुओं का अध्ययन करना, सेरिकल्चर रेशम के कीड़ों का पालन एवं रेशम के निकालने की विधि का अध्ययन करना, ये बहुत बार रिपीट होती है। जो मैं रिपीट होती है मैं उसे बता देता हूँ, जैसे ये सेरिकल्चर हो गया एपिकल्चर हो गया, एक काफ़ी बार रिपीट क्वेश्चन आती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कह सकते हैं। मोरिकल्चर शहदूत के पौधे पर रेशम के कीड़ों का पालन करना, मत्स्य पालन पिसीकल्चर मछली का पालन करना, ये भी रिपीट होती है क्वेश्चन बार बार, कीट विज्ञान कीटों का अध्ययन करना, विषाणु विज्ञान विषाणुओं का अध्ययन करना, खवक विज्ञान फंगी यानी माइकोलॉजिस्ट को कहते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाती है कवक विज्ञान या फिर अंग्रेजी में दे दिया जाता है माइकोलॉजी, तो ये किस में है कवकों का अध्ययन करना यानी फंगी का अध्ययन करना। फंगी क्या होता है आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं, इसमें आपको विस्तार से दिया गया है और विस्तार से एक्सप्लेनेशन किया गया है। शैवाल विज्ञान शैवाल का अध्ययन करना, डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करना, पुष्प विज्ञान एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन करना, ये बहुत बार रिपीट होती है, इसमें क्वेश्चन आ जाती है एंथ्रोलॉजी किससे संबंधित है, ये नहीं आती है पुष्प विज्ञान, आपको इंग्लिश वर्ड याद रखना पड़ेगा एंथ्रोलॉजी किससे संबंधित है किसका अध्ययन है तो पुष्पों का अध्ययन करना। पोमोलॉजी फल का विज्ञान यानी फलों का अध्ययन, और पक्षी विज्ञान और ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन करना, ये भी रिपीट होती है क्वेश्चन बार बार आती है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्षी विज्ञान नहीं आता है आपको सिर्फ अंग्रेजी में इसी को हिंदी में लिख देगा, ऑर्थेनोलॉजी किससे संबंधित है तो पक्षियों का अध्ययन, रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं। मत्स्य विज्ञान तो मछलियों का अध्ययन करना, फ्लोरिकल्चर पुष्प कृषि सजावटी फलों का संवर्धन का अध्ययन करना। नेक्स्ट देखते हैं उद्यान विज्ञान फ्लोरिकल्चर उद्यानों का अध्ययन करना, विज्ञान खेतों में उगाई जाने वाली फसलों एवं मिट्टी का अध्ययन, सब्जी की कृषि सब्जियों का अध्ययन, कंकाल विज्ञान अस्थियों एवं कंकाल तंत्र का अध्ययन करना, और आप इसको इंग्लिश में देखते जाएंगे। कार्डियोलॉजी कार्डियोलॉजी हृदय की संरचना एवं कार्ड का अध्ययन, हिमेटोलॉजी हेमेटोलॉजी रुधिर की संरचना एवं कार्ड का अध्ययन करना, न्यूरोलॉजी न्यूरोलॉजी है तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्ड का अध्ययन करना, ओडोंटोलॉजी किससे संबंधित है तो दंत विज्ञान से संबंधित है दंत विज्ञान का अध्ययन करना, कैलोलॉजी मानवीय सौंदर्य का अध्ययन करना, ये क्वेश्चन रिपीट होती है बार बार कैलोलॉजी किससे संबंधित है जो सुंदरता है यानी जो ब्यूटी पार्लर्स में ज़्यादा यूज किया जाता है जो फीमेल के लिए ज़्यादा औरतों के लिए है, तो ये मानवीय विज्ञान का अध्ययन करना।
मानवीय सौंदर्य का अध्ययन करना। नेक्स्ट है मिर्मिकोलॉजी, मिर्मिकोलॉजी किससे संबंधित है, तो चींटियों का अध्ययन करना। मेमोलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन करना, मेमोलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन करना। सेरोलॉजी चिपकलियों का अध्ययन करना, सेरोलॉजी एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन करना। सर्कुलोलॉजी मांसपेशी का अध्ययन करना। आर्कियोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन करना। नेमाटोलॉजी गोल कृमि परजीवियों का अध्ययन करना। त्वचा विज्ञान डर्मेटोलॉजी त्वचा की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन करना। इसमें इंग्लिश पूछ दिया जाता है, तो डर्मेटोलॉजी आप देखेंगे किससे संबंधित है, तो त्वचा विज्ञान से। हिप्पोलॉजी नींद स्लीप यानी नींद स्लीप का अध्ययन करना। इम्यूनोलॉजी जंतुओं के शरीर की प्रतिरोध क्षमता का अध्ययन करना। अभी आप जानते हैं कोरोना काल में सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी की बात की जाती है, तो किससे संबंधित, तो उसके प्रतिरोध क्षमता से, किसके, तो जंतुओं के अध्ययन किया जाता है। कीट शास्त्र इंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन करना। एंजाइमोलॉजी उत्प्रेरकों का अध्ययन करना। एंड पैडोलॉजी विभिन्न तरह के मृदाओं सोलों का अध्ययन करना है। एंड फोमियोलॉजी फोमियोलॉजी सर्प विज्ञान का अध्ययन करना। मोलस्का विज्ञान क्या है, मोलिकोलॉजी मोलस्का एवं इनके खेलों का अध्ययन करना। ये सारे जितने भी हैं बार बार इस वीडियो को रिपीट करें, और ताकि आपको याद हो सके, और याद हो जाने के बाद आपके क्वेश्चन आसानी से एग्जामिनेशन हॉल में बन सके। ये नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। न्यूमेटोलॉजी नवजात शिशु का अध्ययन करना। जर्मेटोलॉजी बुढ़ापे का अध्ययन करना, ये काफ़ी रिपीट होता है। नीडोलॉजी घोंसलों का अध्ययन करना। एक्सोबायोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन करना, क्या अध्ययन, एग्रोटोलॉजी घास का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी किडनी का अध्ययन। इथोलॉजी जंतु के व्यवहार का अध्ययन। बर्मिकल्चर केचुआ पालन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्मिकल्चर केचुआ पालन। हॉर्टिकल्चर फल सब्जी बागवानी का अध्ययन करना। विटिकल्चर अंगूर की खेती, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं बता रहा हूँ वो जल्द से जल्द उसे लिख लें, कहीं नोट कर लें, या फिर बार बार उसे रिपीट करें। सिल्वीकल्चर वृक्षारोपण से संबंधित है। और पर्ल कल्चर मोती पालन से है। एक्वा कल्चर जलीय जीव पालन है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन, पीसी कल्चर ये भी रिपीट होती है, पीसी कल्चर। ओके नेक्स्ट आते हैं, तो इस वीडियो में ये यहीं तक था, यही दो पेज में उन्होंने डिस्क्रिप्शन से अपने थ्योरी को रखा है। नेक्स्ट आते हैं इससे रिलेटेड में कुछ क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया गया है वो कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो पहला क्वेश्चन है जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। तो ऑप्शन से एम्ब्रियोलॉजी जियोलोग्राफी फिजियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी, तो आप बता सकते हैं आंसर क्या होगा इसका, तो इसका आंसर होगा एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन विकास विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर है ऑप्शन से भूविज्ञान फिजियोलॉजी अनुवांशिकी क्रमागत उन्नति, आंसर आपका होगा भूविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में बीमारियों का अध्ययन, और थर्ड नंबर क्वेश्चन है पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है। ऑप्शन से विकृति विज्ञान क्रिया विज्ञान या फाइटोपैथोलॉजी या फोटोमॉर्फोजेनेसिस, इसका आंसर होगा फाइटोपैथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन से जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन से एंड्रोलॉजी एडाफॉर्मोलॉजी या फिर एग्रोबायोलॉजी या डेंटिस्मोलॉजी, इसका आंसर होगा एडाफॉर्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा के वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। तो ऑप्शन से एंड्रोलॉजी या एस्ट्राकोलॉजी बायोकोलॉजी या डेंटिस्मोलॉजी, तो ऑप्शन आपके इसमें बता सकते हैं कौन सा आंसर है, इसमें आंसर भी दिख रहा है, तो आपको एंड्रोलॉजी। इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है, ऊर्जा का है, फलों का है, विषाणु का है, जानवरों का है, तो इसका आंसर हो जाएगा जानवरों का है। ठीक है, जंतु विज्ञान, तो ये क्वेश्चन मैंने 6 कवर किया है इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी हैं क्वेश्चन हैं जो मैं सारे कवर करूँगा ऑब्जेक्टिव्स, तो एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा इस वीडियो का।
चैप्टर का टोटल 14 चैप्टर है, मैं आपको बता दिखा देता हूँ। टोटल 144 पेजेज हैं और 22 चैप्टर्स हैं जीव विज्ञान के। तो इसे जल्द से जल्द इस वीडियो को कवर करेंगे, इसमें कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड किया जाएगा तो आपको वीडियो प्राप्त हो सके, नोटिफिकेशन उसके आ सके। इसे जल्दी कवर करने के बाद मेरे केमिस्ट्री और फिजिक्स पर मैं स्टार्ट करूँगा। थैंक यू बीइंग ए टू जेड लाइव क्लासेज, हैव ए नाइस डे।